जानते जानते हम पहुंच चुके हैं हापुड़ जिले में। हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें की 2 विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र में आती है, जिसमें की गढ़ मुक्तेश्वर है और धौलाना विधानसभा सीट है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बना रही है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ। क्या लग रहा है अंकल इस बार योगी जी जीतने का इरादा? जी पूरा 100% योगी जी आएंगे, कोई यहाँ कोई कमी नहीं है। और यहाँ गांव ग्रामीण जो है ये सब हमारे जो है योगी जी के पीछे हैं सब। बीजेपी 100% है जी आएगी। काम किया बीजेपी ने? काम कौन सा नहीं किया, सारे कर दिए काम। तो आपके गांव में कितना काम हुआ है? हमारे गांव सबसे पहला काम तो ये हुआ है, हमारे यहाँ किसान परेशान थे, मोटर चोरी आज नहीं होती थी, बिल्कुल बंद हो गई है। हमारे यहाँ तो बीजेपी जीतेगी, मोदी और योगी सबके सब बीजेपी के। हाँ जी, हमारा पूरा काम भी बीजेपी का काम ही, यहाँ बीजेपी ने किया जी। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी यूपी में, तो रात को बिजली आती थी, 8 दिन रात 8 दिन हमें रात को बिजली आती थी, तो जंगल में जाना पड़ता था। अब जंगल में जाना नहीं पड़ता रात को, दिन में पानी वाला में अपने घर लौटे हैं आराम से जी। जो भी काम सरकार में सभी काम अच्छे हुए हैं, कौन से नहीं हुआ? हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल बेफिक्र जा रही हैं, बेफिक्र जा रही है, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई किस तरीके कोई मतलब ही, चाहे रात को 12 बजे आओ 11 बजे आओ, कोई मैटर ही नहीं है इस बात का। बीजेपी ने तो इतने बड़े काम किए हैं कि मोदी जी तो आजीवन प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाना चाहिए। धारा 370 जिसके लिए ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, वहाँ एक मच्छर भी नहीं मरा और धारा 370 एक झटके में और 35 से समाप्त कर दी। ये सिर्फ मोदी का ही काम है। इस बार अखिलेश आ रहे हैं। हाँ क्यों क्यों, ये बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, महंगाई इतनी बढ़ा दी, बच्चों को रोजगार नहीं दिया, डीजल हमारा 60 से 100 रुपए पहुँचा दिया, किसान की कमर तोड़ दी, हमारी फैक्ट्री है गन्ना फैक्ट्री सब जो कहते हैं जो का पेमेंट दुआ दिया, पिछले साल का हमारा फरवरी का पेमेंट अभी तक नहीं मिला, इस साल का सारा बकाया पड़ा हुआ है, हम बच्चों को कहाँ करें, कहाँ से किसकी शादी करें, किसे पढ़ाएं, किसे लिखाएं, हैं? यूपी का मूड का तो मुझे पता नहीं, मुझे अपने मूड का पता है। क्या बन रहा है आपका मूड? मेरा मूड तो यही है भाजपा सरकार होनी चाहिए। काम क्या भाजपा? हाँ हमें तो यहाँ बहुत शांति है, सफाई सफाई बोलचाल यहाँ कम से कम, पहले झंझट बहुत होते थे, अब कोई झगड़ा झगड़ा नहीं है आपस में। तो मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है आपके हाथ से? क्यों? क्योंकि ये नोटबंदी हुई कुछ, अभी लॉकडाउन के सुन रहे हैं, तो कुछ लोग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी का मूड योगी जी के साथ है पूरी तरह से। व्यापारियों के लिए काम किया, व्यापारी हैं आप? व्यापारी नहीं है हम, लेकिन हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो व्यापारी से ही है। और दूसरी बात मैडम ये है कि जो सेफ्टी महसूस होती है हम योगी जी के गवर्नमेंट में, वो इससे पहले नहीं महसूस हुई। तो जो बात करते हैं हम सेफ्टी सिक्योरिटी की, वो हमें फील हो रही है। वो योगी जी काम जैसे कर रहे हैं, अयोध्या मंदिर बनवाया उन्होंने, उसका निर्माण करा है, और आप देखिए क्या करेंगे। सब बढ़िया काम हुए नहीं, जितने भी हुए सरकार, विकास भी हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ। गुंडागर्दी गुंडे सब अपने घर चले गए, रामराज आ गए जी, रामराज। हम तो कहें 3 दफे भी योगी हमें, बढ़िया रामराज आ रहा। बड़ी संख्या में यहाँ पर कारोबारी भी हैं सोफे के, तो इस बार किसको बिठा रहे हैं सोफे पर? इस टाइम तो देखो योगी जी की चल रही है। अच्छा। यहाँ पे तो भाई ये कहानी है, तो इस टाइम सब योगी योगी कर रहे हैं इस टाइम तो।